वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक है वो है प्री पोजीशन। क्या है? प्री पोजीशन। ठीक है, तो आज इस प्री पोजीशन वाले टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन टू के बारे में। ठीक, आज का अपना जो प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशन टू। यूजेज ऑफ टू, टू के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, किन नियमों के आधार पर अपन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि टू का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए टू का अर्थ जो है वो होता है का या फिर को या फिर के, या फिर टू का अर्थ जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है पर। के सामान्य रूप में टू का अर्थ जो होता है वो होता है का, को, के या फिर क्या होता है पर। ठीक है, इन अर्थों में अपन नॉर्मली किसका यूज कर देते हैं, इन अर्थों को बताने के लिए अपन का प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं टू का। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं। ये तो हुआ एक जर्नल कि जहां किसी सेंटेंस में को, का, के या फिर पर का अर्थ देना हो तो अपन टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं अर्थों में कुछ दूसरे प्रपोजिशन भी हैं जिनका अपन प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन्हीं अर्थों में अपन यूज करते हैं ऑफ का। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। इन्हीं अर्थों में अपन यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं ऑन का। तो बात आती है कि ये सारे के सारे जो है आपस में मिक्सअप हो जाते हैं अर्थ के आधार पर। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर ये सारे के सारे जो प्रपोजिशन है वो आपस में एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं, एक मिश्रण सा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्लियर करने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक रूल जो है वो बनाए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टू के कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में कि किन विशेष नियमों के आधार पर अपन प्रपोजिशन टू का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए नॉर्मली एक चीज देखी जाती है कि टू प्रपोजिशन जो है उस टू प्रपोजिशन का प्रयोग सामान्य रूप में चार चीजों को दर्शाने के लिए होता है। कि प्रपोजिशन टू का प्रयोग नॉर्मल वे में चार चीजें हैं, अर्थात फोर पॉइंट्स हैं अपने पास, जिनके आधार पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन के रूप में अपन प्रयोग करेंगे टू का। तो देखिए फर्स्ट जो यूज है प्रपोजिशन टू का वो यूज जो है वो है डेस्टिनेशन। क्या है? डेस्टिनेशन। ठीक, इसको दर्शाने के लिए डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। क्या होता है? मंजिल को दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, प्रपोजिशन के रूप में अपन प्रयोग करते हैं टू का। सेकंड जो यूज होता है टू का वो होता है फॉर टाइम। किसके लिए? टाइम, समय को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब समय के लिए जब टू का प्रयोग करते हैं तो यहां समय दो तरीके का हो जाता है कि जब प्रपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग फॉर टाइम समय के लिए किया जाता है तो वहां समय जो होता है वो दो तरीके का हो जाता है। एक तो होता है सेंस ऑफ टेल। क्या होता है? सेंस ऑफ टेल, जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे कि सेंस ऑफ टेल मतलब तक के अर्थ में। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में अपन समय को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। समझना कि किसी भी सेंटेंस में तक का अर्थ आना चाहिए और तक के अर्थ को दर्शाने के लिए समय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? समय के लिए प्रयोग किया जाता है टू का। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है रिमेनिंग टाइम। क्या होता है? रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम से मतलब है अपन का शेष समय। क्या? शेष समय। बचे हुए समय को बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बचे हुए समय को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं टू का। ठीक, तीसरा जो यूज है टू का वो है परपज। क्या है?
पर्पज, उद्देश्य को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं टू का। किसका? उद्देश्य को बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ, चौथा जो है वो है कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या? तुलना करना। तो तुलना के भाव को, तुलना की स्थिति को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली ये फोर पॉइंट है अपने पास। फर्स्ट है डेस्टिनेशन को शो करने के लिए, सेकंड है टाइम को इंडिकेट करने के लिए, जहां पर टाइम टू टाइप्स का हो जाता है कि सेंस ऑफ टिल, टाइम के लिए टिल के अर्थ में अर्थात तक के अर्थ में अपन प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे, और रिमेनिंग टाइम, बाकी के बचे हुए समय को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। थर्ड है पर्पज, किसी भी चीज के उद्देश्य को शो करने के लिए अपन प्रपोजिशन के रूप में टू का यूज करेंगे। और फोर्थ है अपन का कंपैरिजन, अर्थात तुलना को बताने के लिए अपन प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे टू का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डेस्टिनेशन को टू के माध्यम से किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। अब अपन फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू शो डेस्टिनेशन विद टू, क्या अपन टू के माध्यम से डेस्टिनेशन को कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए अपन ये कहते हैं कि जो टू होता है वो डेस्टिनेशन को दर्शाता है। तो टू डेस्टिनेशन को कैसे दर्शाता है कि किसी स्थान के पास जाना। क्या होता है? किसी स्थान के पास, किसी स्थान के पास जाने के लिए, जाने के लिए, केवल यही है, इतना सही है। किसी स्थान के पास जाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं टू का। किसका? टू का। किसी भी स्थान के पास, व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी चीज हो, उसके पास जाना, उसके पास जब जाएंगे तो अपन ये चीज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टू है वो क्या करता है, टू जो होता है वो नजदीकता को दर्शाता है। क्या करता है? नजदीकता के संबंध को दर्शाता है कि किसी स्थान के पास जाने के लिए नजदीकता के अर्थ में अपन क्या करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं टू का। ठीक है, अब वो एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं कि कैसे। देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जो ये अपने पास सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो स्कूल जो है वो क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है। ठीक है, और वो जाना कहाँ चाहता है? वो जाना स्कूल चाहता है। तो स्कूल क्या हो गया? इसकी स्कूल इसकी मंजिल हो गई, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। डेस्टिनेशन मंजिल, मंजिल मतलब गंतव्य स्थान। ये जाना कहाँ चाहता था? ये जाना चाहता था स्कूल। ठीक है, स्कूल क्या हो गया? स्थान हो गया। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सपोजिंग दैट मैं ये हूँ, ठीक है, वर्तमान में मेरी पोजीशन ये है, पर ये मेरा विद्यालय, ये क्या है? ये मेरा विद्यालय है। तो मैं यहाँ से चलूंगा और यहाँ पहुंचूंगा, तो डेफिनेटली जैसे जैसे मैं चलूंगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं स्कूल के पास आता जाऊंगा, पास आता जाऊंगा। इसलिए अपन कहते हैं नजदीकता के संबंध को बताने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। और स्कूल जो है वो इसका क्या होगा? डेस्टिनेटिंग पॉइंट हो गया, इसका गंतव्य स्थान, इसकी मंजिल हो गई। तो किसी भी स्थान के पास जाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं टू का। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। अब मार्केट क्या है? मार्केट कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट है। किसका?
इस प्रोनाउन दे का। वे बाजार जा रहे हैं, तो उनका जाना कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं? बाजार, बाजार एक स्थान है, इसलिए अपन ने काय का प्रयोग किया, टू का प्रयोग किया। तो किसी स्थान के पास जाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं टू का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए राम इज कमिंग टू कोटा फ्रॉम अजमेर। राम इज कमिंग टू कोटा फ्रॉम अजमेर। राम अजमेर से कोटा आ रहा है, अजमेर से कोटा आ रहा है, तो कोटा आएगा। मान लो राम की स्थिति कहाँ है, राम अजमेर में स्थित है, और जब कोटा आएगा तो धीरे धीरे कोटा के पास आएगा। ये स्थिति क्या शो करेगी, पास को, नजदीकता को शो करेगी। और आना कहाँ चाहता है राम, कोटा। राम का डेस्टिनेशन क्या है, कोटा। और कोटा क्या है, स्थान है, ठीक है। तो अपन ने कोटा से पहले का प्रयोग किया, टू का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, टू शो द डेस्टिनेशन पॉइंट, के गंतव्य स्थान को, मंजिल को दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं टू का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि टू जो है वो टाइम को कैसे शो करता है, ठीक है। कि टू का यूज देखते हैं फॉर टाइम, समय के लिए अपन टू का प्रयोग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, समय के लिए जब अपन टू का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है जो टाइम होता है वो दो भागों में बढ़ता है। टाइम जो होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। रिमेनिंग फर्स्ट जो होगा वो हो जाएगा रिमेनिंग टाइम, शेष या बाकी के बचे हुए समय को अपन शो के माध्यम से शो करेंगे, या फिर सेकंड अपन जो शो करेंगे वो क्या करेंगे, सेंस ऑफ टिल। क्या करेंगे, सेंस ऑफ टिल, टिल के अर्थ में अपन टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग टाइम को शो करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं रिमेनिंग टाइम का एग्जांपल, ठीक है। अपन बोलते हैं इट इज 10 to 12, इट इज 10 to 12, 12:10 बाकी है। इट इज 10 to 12, 12:10 बाकी है। तो ये 12:10 बाकी है, तो 10 मिनट जो है वो क्या है, शेष समय है ना, वो क्या है, शेष समय है। तो शेष समय को अपन किसके माध्यम से दर्शा रहे हैं, शेष समय को अपन दर्शा रहे हैं टू के माध्यम से, कि बाकी का बचा हुआ जो समय है, इट इज 4:15, 4:00, क्वार्टर कितना बाकी है, क्वार्टर बाकी है, ठीक है। तो बचा हुआ जो समय है वो किसके माध्यम से शो हो रहा है, वो हो रहा है टू के माध्यम से, ठीक है। अब दूसरा जो है इसमें वो ये है कि अपन करते हैं इन द सेंस ऑफ टिल। क्या, इन द सेंस ऑफ टिल, टिल का मतलब जो होता है वो होता है तक, ठीक है। क्या होता है, तक। तो तक के अर्थ में अपन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपन कहते हैं समय के अंतिम बिंदु, क्या, समय का अंतिम बिंदु जो होता है उस अंतिम बिंदु को दर्शाते हैं, तब जाकर के अपन अर्थ लगाते हैं टिल का, कि समय का अंतिम बिंदु होना चाहिए। कोई भी समय प्रारंभ हुआ लेकिन खत्म कब हो रहा है, लास्ट कब हो रहा है, उस अंतिम बिंदु को दर्शाने के लिए। और उस जगह अर्थ क्या होता है, उस जगह अर्थ होता है तक, ठीक है, समझ में आ रही। समय का अंतिम बिंदु, जैसे अपन बोलते हैं 9 से 12, क्या बोलते हैं अपन, 9 से 12। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है अपना 9 है, और लास्ट पॉइंट क्या है, खत्म कब हो रहा है, 12। तो ये जो 12 है, ये 12 अर्थ देगा तक का, ये 12 बजे अर्थ काय का निकलेगा, तक का। और जब तक का अर्थ निकलेगा तो ये जो है वो क्या है, ये समय का अंतिम बिंदु है अपने लिए। इस प्रकार के समय को किसके माध्यम से दर्शाते हैं अपन, टू के माध्यम से दर्शाते हैं, कैसे, देखिए काम वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। राम सुबह से शाम तक काम करता है, राम वर्क्स, राम काम करता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग।
सुबह से शाम तक। तो ये शाम है, इवनिंग है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड ही तो है या नहीं है? और असल में क्या कहा, राम सुबह से शाम तक काम करता है, तो यहाँ अर्थ का निकला तक निकल गया। और अंतिम बिंदु में ना क्यों, क्योंकि शाम के बाद तो काम खत्म है, काम करने की अवधि क्या है, काम करने का लास्ट पॉइंट क्या है, शाम, यही है, तो अंतिम बिंदु है और तक का अर्थ है, इसलिए प्रपोजिशन के रूप में क्या यूज किया गया, टू। क्या यूज किया गया, टू। देखिए आई वर्क फ्रॉम 9 to 10 AM। आई वर्क, मैंने काम किया फ्रॉम 9 to 10 AM, सुबह 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक काम का प्रारंभ हुआ 9 बजे और खत्म कब हुआ 10 बजे। तो ये 10 जो है, ये 10 क्या है, समय का अंतिम बिंदु है, 10 क्या है, समय का अंतिम बिंदु। और अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर, तक, क्या निकल रहा है, तक। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से टाइम को शो करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में टू का। क्लियर है, ठीक। इसके बाद तीसरा यूज देखते हैं कि प्रपोजिशन टू का थर्ड यूज क्या होता है। तो देखिए थर्ड रूल में अपन ने कहा था प्रपोजिशन टू का जो तीसरा प्रयोग है वो होता है कंपैरिजन। क्या होता है भैया, वो कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना, क्या, तुलना करने के लिए। अब दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, किसी भी चीज में आप क्या करो, कंपैरिजन कर दो, तुलना कर दो। तुलना करेंगे तो अपन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपन ये पोजीशन शो करेंगे, ये पोजीशन, एक चीज जो है वो क्या होगी, ऊंची होगी, और एक चीज जो है वो क्या होगी, नीची होगी। तो ऊंच और नीच को दर्शाने के लिए, ठीक है, ऊंचा नीचा भाव दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं टू का। कंपैरिजन का मतलब आ रहा है ना समझ में, कंपैरिजन का मतलब है ऊंचा नीचा, श्रेष्ठ और निम्न, लोअर एंड हायर, सुपीरियर एंड जूनियर, के श्रेष्ठ और निम्न को दर्शाने के लिए, इस भाव को दर्शाने के लिए भी अपन काय का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए राम इज जूनियर टू मोहन, राम इज जूनियर टू मोहन, राम मोहन का जूनियर है, अर्थात राम मोहन से नीचे है। अब कहीं भी हो सकता है, इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी में, इन्हें जॉब, किसी नौकरी में, इन वैन, धन दौलत पैसे में, किसी भी चीज में हो सकता है, अपन को उससे मतलब नहीं है किस चीज में है, अपन तो केवल ये बताना चाहते हैं कि ऊंचा कौन है और नीचा कौन है। तो राम इज जूनियर टू मोहन, राम मोहन से जूनियर है, अर्थात निम्न है। तो राम कैसा हो गया, निम्नतर स्तर का, और मोहन कैसा हो गया, उच्चतर स्तर का। दर्शाया किससे अपन ने, टू के माध्यम से। देखिए ही इज सुपीरियर टू यू, वह आपसे सुपीरियर है, टू यू आपसे सुपीरियर, श्रेष्ठ है, अच्छा है, वह आपसे श्रेष्ठ है। तो यहां पर आपसे श्रेष्ठ है, ये कैसा हो गया ऊंचा, और ये कैसा हो गया नीचा। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कंपैरिजन को शो करने के लिए, ठीक है, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनके साथ अपन प्रयोग करते हैं प्रपोजिशन के रूप में टू का, ठीक। इसके बाद फोर्थ यूज आता है कि टू शो पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, तो उद्देश्य को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में काय का यूज करेंगे, PURPOS, पर्पस, उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी अपन काय का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। किसी भी क्रिया को करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, किसी भी क्रिया को करने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि आप प्रेजेंटली आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, क्या उद्देश्य देखने का, कोई ना कोई मोटिव तो होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना, सीखना, यही है ना। मोबाइल में देखने का उद्देश्य क्या है, देख, सीखना, पढ़ना, यही है। तो इस प्रकार के पर्पज को शो करने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं
टू का कैसे करते हैं देखिए, ही केम टू सी माय फादर, ही केम टू सी माय फादर, ही केम वह केम आया, टू सी का मतलब देखना या मिलना, यहाँ अर्थ लगाएंगे जो अपन अर्थ क्या लगाएंगे मिलना, ही केम टू सी माई फादर, वह मेरे पिता से मिलने के लिए आया, तो उसके आने का उद्देश्य क्या था, पिताजी से मिलना, आने का पर्पज क्या था, मिलने का भाव था, आने का उद्देश्य क्या था, मिलना, क्या था, अगर देखिए आई वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स। अब इसको समझिए, आई वेंट टू मार्केट में बाजार गया, क्यों गया, बाजार जाने का मोटिव, बाजार जाने का उद्देश्य क्या था, टू परचेज बुक्स, किताबें खरीदना, तो ये जो परचेज बुक्स है किताबें खरीदना, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया किसका, आई के बाजार जाने का, नाउ आई है सब्जेक्ट में, तो आई वेंट टू मार्केट में बाजार गया टू परचेज बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, ठीक है। अब यहां देखिए अपन ने मार्केट से पहले भी अपन ने क्या लगा दिया, टू का प्रयोग कर दिया, क्यों कर दिया, पहला ही पहला प्रयोग किया है ना, टू शो द डेस्टिनेशन पॉइंट, गंतव्य स्थान को मंजिल को दर्शाने के लिए वो कहां जाना चाहता है, बाजार जाना चाहता है, तो बाजार उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, इसलिए क्या आ गया टू, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य टू परचेज बुक्स, किताबें खरीदना, इसके इससे पहले भी क्या लगा दिया अपने टू, ठीक है। इस प्रकार से पर्पज को शो करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक और स्पेसिफिक रूल आता है टू के लिए, ठीक है, उसको और समझते हैं, तो देखिए वो स्पेसिफिक रूल क्या है, वो स्पेसिफिक रूल जो है वो ये है अपना, कि नॉर्मली अपना एक वर्ड है इनवाइट, क्या है इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, क्या होता है आमंत्रित करना, ठीक। इस इनवाइट शब्द के साथ अपन टू का प्रयोग नहीं करते, समझना इस चीज को, कि इनवाइट जो शब्द है इस शब्द के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्टली होता है ही इनवाइटेड मी, ये होता है सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, उसने मुझे बुलाया, यदि आप ये कहते हो का ही इनवाइटेड टू मी, इनवाइटेड टू मी, तो इस तरह की पोजीशन में सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ में आ रही है, इनवाइट अर्थात आमंत्रित करना, जो ये है इनवाइट, ये क्या है वर्ब है, तो इनवाइट जो वर्ब है इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, वाक्य होता है ही इनवाइटेड मी, आई इनवाइटेड यू, ही इनवाइटेड माय फादर, ही इनवाइटेड माय फैमिली, ही इनवाइटेड हॉल ऑफ द प्लेस, ये सेंटेंस होते हैं, अगर आप इनवाइट के साथ टू का प्रयोग करते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आता है, एक अपवाद जो होता है वो होता है कि यदि यदि कार्यक्रम कार्यक्रम दिया गया है तो इनवाइट के साथ टू आता है, समझना इस चीज को, कि नॉर्मली इनवाइट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि कार्यक्रम दिया गया है, कार्यक्रम का मतलब क्या है, जिस चीज के लिए इनवाइट किया गया है ना, कार्यक्रम से मतलब क्या है, क्यों इनवाइट किया है, किस पर इनवाइट किया है, कार्यक्रम का मतलब है क्यों किया, किस पर किया, ठीक है, समझ में आ रही है ना, किस पर किया, अगर ऐसी चीज दर्शाई गई है तो इनवाइट के साथ काय का प्रयोग करेंगे अपन, टू का प्रयोग करेंगे, कैसे देखिए, ही इनवाइटेड मी टू टी, ही इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया, तो ये इनवाइट
ठीक है, इनवाइट के साथ क्या दे दिया, कार्यक्रम दे दिया, ही इनवाइटेड मी टू टी, के चाय पर आमंत्रित किया, किस पर, चाय पर, इसलिए अपन ने काय का प्रयोग कर दिया, टू का प्रयोग कर दिया, आई इनवाइटेड हर टू माय बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब यहां देखिए, आमंत्रित किया, क्यों किया, बर्थडे था, किस पर आमंत्रित किया, बर्थडे की पार्टी पर आमंत्रित किया, ये दो चीजें हैं ना, इनके जवाब से यहां पर को क्यों किया और किस पर किया, तो क्यों किया, रीजन क्या था, रीजन था टू सेलिब्रेट बर्थडे, जन्मदिन मनाना, किस पर किया, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, जन्मदिन के अवसर पर, तो जो ये इनवाइट इसके साथ क्या है, कार्यक्रम को इंडिकेट किया है, कार्यक्रम का बर्थडे पार्टी, इसलिए अपन ने काय का यूज किया है, टू का प्रयोग किया है। तो नॉर्मली यही होता है कि वर्ब इनवाइट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि जिस चीज के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जिस अवसर पर आमंत्रित किया जा रहा है, यदि उसको मेंशन किया गया है, उसको दर्शाया गया है, तो उस कार्यक्रम से पहले अपन इनवाइट के साथ टू का प्रयोग कर देते हैं। ये है टू का यूज, इन नियम नॉर्मली नियमों के आधार पर अपन प्रपोजिशन टू को फिलअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।